हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक का भजिया। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम बनाएं टेस्टी क्रिस्पी पालक भजिया। तो सबसे पहले हमें पालक के पत्ते लेने हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसे सुखा लिया है। इसके बाद हमें लेना है ग्राम फ्लोर यानी बेसन। 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और ऐड करेंगे जीरा पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका बैटर तैयार करेंगे। हमें इसे इस तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक प्लेट। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लेट, और इसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून रवा। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रवा। अब हमें पालक का एक पत्ता लेना है। इसके बाद हमें इसे इसमें डिप करना है दोनों तरफ से अच्छे से। और इसे इस प्लेट में रखेंगे। इसके बाद ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा रवा। इसी तरह हम सभी को करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल मैं रीयूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पनीर बॉल्स को फ्राई किया था। अब मैं इसमें डालूँगी पालक के पत्ते को। दोनों तरफ से हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। पालक हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे किचन टॉवल पे। इसी तरह हम और सभी पालक के पत्तों को फ्राई कर लेंगे। क्विक पालक का भजिया हमारा बनके तैयार है। हार्डली इसे 5 से 10 मिनट लगता है बनाने में। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ग्रीन चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।